विश्व विख्यात शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी के मंदिर के कपाट बंद है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा कर्फ्यू में ढील कसमय सुबह 5 से शाम 8 बजे तक का किया हुआ है, लेकिन चिंतपूर्णी व्यापार मंडल ने मंदिर के कपाट खुलने तक और लॉकडाउन के चलते एक अहम फैसला लिया है, जिसमें अब चिंतपूर्णी मंदिर के बाजार सुबह 7 से लेकर शाम 3 बजे खोला करेंगे। इस फैसले से दुकानदार भी काफी खुश हैं। व्यापार मंडल की माने तो एक तो मंदिर के कपाट बंद है और कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है, ऐसे में कोरोना को देखते हुए ये जो समय चुना गया है वह बिल्कुल सही है और इससे स्टे होम को ज्यादा समय मिल सकेगा, क्योंकि समय की बढ़ोतरी से कारोबार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो सुबह से 7 बजे से और शाम का 3 बजे बंद होने का दुकानों का टाइम फिक्स किया है, वो सही व्यापार मंडल का निर्णय है, क्योंकि मंदी के कारण बाजार शून्य है और मार्केट में ग्राहक नहीं है, इसलिए बीमारी से बचने का यही एक तरीका है। लिया है, मेरी दुकान चिंतपूर्णी बस स्टैंड में है और मंदिर के कपाट बंद होने के कारण श्रद्धालु अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो जो व्यापार मंडल ने समय निर्धारित किया है 7 से 3 बजे तक, वो हमारे लिए उचित है। चिंतपूर्णी में दुकान है, ये कोरोना की वजह से जो केस बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सही टाइम करा प्रधानों ने कि चिंतपूर्णी 3 बजे तक टाइम रहे, क्योंकि श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं। चिंतपूर्णी का देखो कितना बुरा हाल है, बाजार में मंदा पड़ा है पूरा, इसलिए भी 8-8 बजे तक बैठ के क्या करेंगे, 3 बजे तक काफ़ी है कि जो लोकल आके अपना सामान लेके घर चले जाएं, क्योंकि हिमाचल में इतने केस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से हमें कुछ रोकथाम करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का वो करना चाहिए पालन, और हैंड वो करना, सैनिटाइजर करते रहना चाहिए टाइम टाइम से। मेरा नाम आशीष शर्मा, चिंतपूर्णी में हमारी मिठाई की दुकान है। चिंतपूर्णी व्यापार मंडल ने जो समय निर्धारित किया हुआ है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, हम उसी के अनुसार चलेंगे। समय की बढ़ोतरी के कारण कोई खासा फर्क पड़ा नहीं है व्यापार में, सो जब तक मंदिर के कपाट नहीं खुल जाते तब तक हम यही समय रखेंगे सुबह 7 बजे से 3 बजे तक।